रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयदशमी के मौके पर सरहद पर पहुंचे, महत्वपूर्ण तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। तवांग में चीन की सीमा पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तस्वीरें आप देखिए। रक्षा मंत्री ने सीमा पर शस्त्र पूजा भी की, जवानों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत भी की। राजनाथ सिंह ने इस दौरान कहा कि दुनिया में देश का कद बढ़ा है। आइए सुनते हैं कि जवानों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। मैं आप सभी को अपनी तरफ से विजयदशमी की हार्दिक बधाई देता हूं, आपको आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब, क्योंकि मैं यलेसी के पास तक जाकर मैंने देखा है, जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं बतलाना चाहता हूं, देशवासियों को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है। और आप सभी जानते हैं इस वर्दी की कितनी अहमियत होती है। मैं समझता हूं अधिकांश ऐसे जवान होंगे, बिरले ही जवान बचे होंगे जिनकी इच्छा न होती हो, नहीं तो शायद अधिकांश नौजवानों की अथवा बचपन की यह इच्छा रहती है कि कभी न कभी मुझे जिंदगी में कोई एक अवसर ऐसा अवसर मिले ताकि मैं सेना की वर्दी पहन सकूं। दमखम वाला होता है, गलत बातें यदि बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो चटपट लोग कहते हैं कि यह फौजी स्वभाव का है। यह एक फौजी की अहमियत होती है, एक स्वाभिमान की भावना आपके अंदर होती है, वही एक जज्बा पैदा करती है। चाहे भले ही हमारी जान चली जाए लेकिन हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रीज इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं, विगत 8-9-10 वर्षों में भारत का स्टेचर, भारत का कद यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है तो जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्ट्रेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्ट्रेचर, यह कद न बन पाता। आपके सामने ये चार तस्वीरें हैं जिनमें आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सरहद के पास पहुंचे, देश के सुरक्षा इंतजामों का उन्होंने जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री ने चीन बॉर्डर पर ही शस्त्र पूजा भी की और बाद में जवानों के बीच वो नजर आए। राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया, हौसला बढ़ाया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चीन बॉर्डर पर किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, शस्त्र पूजा उन्होंने की। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जवानों के बीच वो मौजूद हैं। तवांग से ये तस्वीरें सामने आई जहां पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने शस्त्र पूजा की दशहरे के मौके पर।